हेलो एंड व्हाट्स अप ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा, अगर बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, आपको सारी वीडियोस जो है सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे। तो चलो आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके इस क्वेश्चन के बहुत सारे चांसेस है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आने के। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि कहा जाता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए इन नंबर्स का। ये तीन पार्ट है, इसके तीनों पार्ट में आज के इस शॉर्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर किया कैसे जाता वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, और उसके बाद ये भी वेरीफाई करना है कि जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? इट मींस कि अगर हम 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करें, इनटू करें, जो नंबर वहां से मिलेगा वही नंबर हमें मिलना चाहिए जब हम 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे आगे करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट आपका 26 एंड 91, ठीक है। तो हम पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, 26 एंड 91। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 26 और 91 की। प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे करेंगे 26 और 91 की, पहले 26 की अलग से करेंगे और 91 की अलग से करेंगे, ठीक है। पहले हम 26 की करेंगे, तो चलिए 26 को तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 13s are 26, और फिर 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 ही रहेगा, 13 ones are 13, क्लियर। अब 91 पे आ जाइए, अब देखते हैं 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 91 को 2 से होगा नहीं होगा, ठीक है, क्या 3 से होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 और 1 10, जिन नंबर्स का एड 10 आ जाए यानी कि 3 का मल्टीपल अगर ना हो उसका, यानी कि उसको 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो 3 उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो चलिए छोड़ दीजिए, 5 पे आ जाइए, 5 से भी नहीं होगा, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, 7 पे आ जाइए, 7 से हो जाएगा, देखते हैं, 7 ones are 7, बचे यहां से 2 बनेगा 21 और 7 3s are 21, 7 से हुआ। अब बचा 13, 13 को 13 से ही होगा, 13 ones are 13, ठीक। तो 26 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 into 13, क्लियर। एंड 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखी जाए तो 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 into 13, क्लियर है ये बात। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, कॉपी भी मेंटेन कीजिए साथ में ताकि आपको प्रैक्टिस करने में फिर आसानी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें एचसीएफ देखना। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, सेम हो, लेकिन सबसे बड़ा। तो देखिए यहां पे भी 2 है लेकिन यहां पे तो 2 है नहीं, यहां पे 7 है लेकिन यहां पे तो 7 है नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई साहब, दोनों में जो कॉमन है दैट इज 13, दोनों में एक जैसा कौन सा नंबर है वह 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा 13। अब हम एलसीएम पे आते हैं, अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम भी आपको यही से निकलेगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए आपको यह याद रखना है कि जब दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना पड़ता है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या आया है। इस शॉर्ट में आप याद रखो कि मैक्सिमम टाइम्स क्या आया है, देखो यहां पे 2 है बट यहां पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम टाइम्स है ना, तो मैक्सिमम टाइम्स वाला लेना है, तो यहां पे 2 लिख लेना है मल्टीप्लाइड बाय, फिर यहां पे 13 है, यहां पे भी 13 है, इट मीन्स कि दोनों में है तो इसको भी लेना है, तो 13 एक बार आ जाएगा, और यहां पे 7 है, यहां पे नहीं है, इट मीन्स कि यहां पे मैक्सिमम टाइम्स है, यहां पे नहीं है, तो यहां का 7 भी हमें ले लेना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 7s are क्या होता है, 2 7s are 14, 14 into 13 क्या होता है, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 13s are 26 into 7, 26 multiplied by 7 क्या आ जाएगा, 6 7s are 42, 2 4 carry, 7 2s are 14, 14 और carry के 4 होते हैं 18 182, तो एलसीएम आएगा 182 और एचसीएफ आएगा 113, LCM आएगा 13, सॉरी LCM आएगा 182 एंड HCF आ जाएगा आपका 13। ये तो हमने फाइंड कर लिया, LCM और HCF तो हमने फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि वेरीफाई कीजिए ये जो LCM और HCF आपने निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हमें दिखाओ किसके बराबर, कि वो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर्स का। ये एक थ्योरम भी है जो आपको याद रखनी है, यही थ्योरम हम आगे एक क्वेश्चन में यूज करने वाले, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस चीज को यहां पर समझ लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे वेरिफिकेशन, किस चीज की वेरिफिकेशन करनी है,
LCM into HCF is equal to product of two numbers. चलिए एलसीएम अभी हमने निकाला, क्या निकाला, एलसीएम तो 182 आया एंड एचसीएफ अभी हमने निकाला, एचसीएफ आया 13. ये हमें दिखाना है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो ये प्रोडक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, ये थ्योरम है, तो हमें करना है बस, और कुछ नहीं करना, हमें वेरीफाई करना है. तो याद रखिए एक बात मेरी यहां से बीच में, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस जिनमें शो दैट लिखा हो या वेरीफाई करना हो कुछ या प्रूव करना हो, इट मींस कि वो चीज होती है, बस हमें उसको दिखाना होता है. तो ये वेरीफाई करना, इट मींस ये है, ये दोनों बराबर है, बट हमें सिर्फ दिखाना है. तो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, प्रोडक्ट दो नंबर्स का क्या आएगा, 26 into 91. दो नंबर्स यही है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है. चलिए अब हम यहां पे करते हैं, 182 into 13 मल्टीप्लाई करना है, 182 into 13 में यहां पे कर लेता हूं, देखिए 3 2s होता है 6, 3 8s होता है 24, 4 2 कैरी, 3 1s 3 और कैरी के 2 हुए 5. अब 1 से करेंगे, 1 2s 2, 1 8s 8 एंड 1 1s 1, 6 6, 8 और 5 होते हैं 13, 3 1 कैरी, 2 3 6 6, क्या मिला, 2 3 6 6. 182 into 13 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आना चाहिए, अब ये आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 26 into 91 कर लेते, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा, ठीक है, फिर 9 से करेंगे, 9 6s होता है 54 आएगा, 4 और 5 कैरी, 9 2s 18, 18 और कैरी के 5 हो गए 23. अब ऐड कर लो, 6 नीचे 4 और 2 6, 3 और ये 2, तो क्या आया यहां से भी, 2 3 6 6. इज इट क्लियर टू यू, क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया, ये लिखना कॉपी पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको बस रफ दिखाया कि मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, ठीक. तो यहां पे आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट था वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर निकला, क्लियर है ये बात. अब आई होप कि ये दोनों पार्ट जो है अब अच्छे से आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं हूं ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप स्ट्रांग बनोगे. अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, जिसने नहीं लिखा है, लिखना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो जाता हूं और मैं इसको इरेज करके दूसरा पार्ट लिखता हूं, ठीक. चलिए दूसरा पार्ट है 510 into 92, ठीक है. अब हम इस पार्ट को दूसरे वाले पार्ट को करने वाले, पहले वाले पार्ट को हमने कर दिया, दूसरा वाला पार्ट 510 into 92 सेम ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 510 की और 92 की, 510 की अलग से करेंगे और 92 की अलग से कर लेंगे. तो चलिए 510 को तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 जो है, तो क्या आएगा, 2 2s होता है 4 एंड बचा 1 बनेगा 11, 2 5s 10 बचा फिर से 1 बनेगा 10, 2 5s 10, 255. अब 255 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, 255 को डिवाइड देखते हैं 3 से होगा, 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 5 होते हैं 12, 12 को 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. इट मींस कि 255 को भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब करते हैं डिवाइड, 3 4s होता है 3 8s होता है 24, बचा 1 बनेगा 15, 3 5s होता है 15. अब फिर से 3 से होगा या नहीं देखते हैं, 8 और 5 होते हैं 12, हां हो जाएगा, सॉरी 8 और 5 होते 13, नहीं होगा 3 से नहीं होगा. अब 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 से हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट में 5 जो है 5 और बचे कितने, बचे यहां से 3 बनेगा 35, 5 7s 35. अब 17 निकल के आया, 17 खुद एक प्राइम नंबर, इसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 17 1s 17, क्लियर. 510 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, अब हम 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 4s होता है 8 बचा 1 बनेगा 12, 2 6s 12, फिर से 2 से होगा, 2 2s 4, 2 3s 6, फिर 2 से होगा ही नहीं, फिर 23 को किसी भी नंबर से नहीं होगा, क्यों, 23 खुद एक प्राइम नंबर है और यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप होती है दोनों की. अब हमारा क्वेश्चन जो है 50% कंप्लीट हो गया, तो चलिए ऐसे लिखेंगे 510, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 into 3 into 5 into 17. इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हम निकाल रहे हैं ये फैक्टर्स हैं, किसके, 510 के ये फैक्टर्स हैं. ऐसे ही 92 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 into 2 into 3, 23. ये 92 के फैक्टर्स हैं. अब हमें इन्हीं नंबर्स में से, इन्हीं फैक्टर्स में से एचसीएफ देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में हो, हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो, लेकिन हो दोनों में,
तो देखिए कौन सा है दोनों में, 23 इसमें है इसमें नहीं है, 17 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब 2 कॉमन है ना, 2 दोनों में है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा दोनों का 2, क्या बन जाएगा, तो 2 लिख लेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उस चीज के ऊपर मैं कोशिश करूंगा ताकि वो कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाए। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, अब रहा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए, करना क्या है, मैक्सिमम टाइम्स देखो क्या आया, मैक्सिमम टाइम्स देखो यहां पे 2 एक बार, यहां पे 2 बार है, अगर आपको दिख रहा हो, ये मैं सर्कल सटा देता हूं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, 2 यहां पे 2 बार है और यहां पे 1 ही बार, मैक्सिमम टाइम तो यहां पे है, तो हम यहां के 2 2 ले लेंगे, ठीक है। अब बचा 3 यहां पे 1 बार, यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर 1 बार है मतलब मैक्सिमम टाइम इज यहां पर है, तो 3 हम यहां का ले लेंगे, और 5 यहां पे है नहीं मतलब यहां का लेना है हमें, इंटू 17 यहां पे है नहीं तो मैक्सिमम टाइम लेना है हमें, 23 यहां पे है यहां पे नहीं, यानी कि यहां का तो लेना है 23। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हो। तो चलिए करते हैं, 23। अब हम इस 23 को 1020 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 30 होता है 0, 32 6, 30 313। अब फिर से 2 से करेंगे 20 0, 22 4, 20 0, 21 2, ऐड करेंगे 0, 6, 4, 3, 2, क्या मिला 2, 3, 4, 6, 0। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2, 3, 4, 6, 0, ये मिला हमें एलसीएम, लोएस्ट कॉमन और आई कैन से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ भी हमने निकाल लिया, एलसीएम भी हमने निकाल लिया, ये मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं, बेसिक चीजें जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ना रहे, ठीक। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, इस चीज की अब आपको जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली ये लिख लिया और इस चीज को आपने आई होप कि सीख लिया होगा, और सीखना भी है आपको बहुत जरूरी है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं इसी क्वेश्चन की, वेरिफिकेशन में ऐसे लिखो कोई वेरिफिकेशन एंड उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हमने अपने निकाला, क्या निकाला 2, 3, 4, 6, 0 इंटू एचसीएफ हमने यहां पे निकाला, एचसीएफ निकाला हमने, क्या निकाला था 2, मल्टीप्लाई देना है 2 से इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2 नंबर्स का। प्रोडक्ट 2 नंबर्स कौन से, एक तो है 510 और है 92, ठीक है। यहां पे आप कैलकुलेटर का, सिंपल कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक। 2 0 0 2 6 12 2 1 कैरी 2 4 8 और कैरी का 9 2 3 6 एंड 2 2 4। तो यहां से क्या निकल के आया, जो इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों का प्रोडक्ट 4 6 9 2 0 है। अब हम देखते हैं खुद इन नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा यही, बट हमें दिखाना ही है खाली, बस मल्टीप्लाई करना है। करो यहां पे पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 0 0 होता है 0 2 1 2 एंड 2 5 0 होता है 10। फिर हम यहां पे 9 से करेंगे, 9 0 0 होता है 0 9 1 0 9 9 5 0 45। अब ऐड करेंगे 0 2 9 5 और 6 और 4, तो क्या आया 4 6 9 2 0 0 2 0। मीन्स कि जब हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 9 2 0 मिलेगा, तो ये दूसरा पार्ट यहां पे खत्म होता है, हेंस वेरीफाइड लिख देना लास्ट में भाई साहब, हेंस वेरीफाइड। इससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा होता है और आपका एग्जामिनर भी खुश होता है कि भाई हाँ बच्चे को कुछ पता है, बच्चे ने वेरिफिकेशन की है, ठीक। इस तरह से हमने इस दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया, बस इतना ही है, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से फिर से रिपीट करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो रिवर्स करो, वीडियो को फिर से एक बार देखो, ठीक। अगर कहीं पे कंफ्यूजन फिर भी रह रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बड़ा खुला पड़ा है, आप मुझे वहां पर बता सकते हैं। अब हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लें। थर्ड पार्ट इज 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। करना क्या है, सेम प्रोसीजर, सेम रूल्स, सेम टाइम, सेम जगह, ठीक है। पहले हम 336 को मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसके बाद 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलिए इसकी निकालेंगे, तो 2 से हो जाएगा, 2 1 2 बचा 1 बनेगा 13, 2 6
12 बचा, फिर से एक बनेगा 16, 2 8 16, फिर से 2 से होगा 2 8 16 और 2 4 8, फिर से 2 से होगा 2 4 8 2 2 4, फिर से 2 से होगा 2 2 4 एंड 2 अंदर 2, अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 7 21, अब 7 को किसी भी नंबर से नहीं होगा, 7 को 7 से होगा, 7 7, ठीक क्लियर। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हलवा लगेगा, हलवा खुद करोगे, चुटकियों में करोगे। तो चलिए 54 की भी 2 से कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 2 जर होता है 4, बचा एक बनेगा 14, 2 जर 14, अब 27 को तो 3 से होगा, 3 9 जर 27, फिर से 3 से होगा, 3 3 जर 9, फिर से 3 से होगा, 3 1 जर 3, अब यहां पे लास्ट में 1 जो आ गया, इट मींस कि प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाती है। इस तरह से हमने जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। तो हम लिख सकते हैं ना 3336 इज इक्वल टू 2 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7। ऐसे ही फॉर 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3, फिर 3 बार 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, समझ में आ रहा है बच्चों? भाई साहब समझने की कोशिश करनी है, आज पढ़ लो, लुंडेबाजी कल कर लेना, एलसीएम देखने हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना है, आपको देखना कि मैक्सिमम टाइम्स क्या है, मैक्सिमम टाइम्स क्या है। देखो यहां पे 4 2 जो है 1 2 3 4 बार आया और यहां पे खाली एक बार आया, अब बताओ मैक्सिमम टाइम्स यहां पे आया या यहां पे आया है ना, ऑब्वियसली यहां पे चार बार आया तो हमें चार बार लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां कट बोले ना कि हमें यहां कर, यहां का तो लेना ही नहीं हमें, क्योंकि यहां पे तो एक ही बार आया, और यहां का 3 देखो ये तो 3 बार आया, यहां पे एक ही बार आया, तो कौन सा लेना है हमें, ये 3 3 लेने, इसको छोड़ देना है, ठीक है 1 2 और 3, और अब बचा यहां पे खाली बेचारा 7, 7 एक बार ऊपर आया और नीचे आया ही नहीं है, तो यहां पे आया तो है एटलीस्ट, तो इसको ले लेना है, ठीक है। अब इस तरह से हमने एलसीएम निकाल लिया, भाई साहब अभी निकाला नहीं, अभी तो काम बाकी है, अभी और करना है, 2 2 4 2 8 2 16, यहां तक कर लेते हैं 16, इंटू 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू लिख लेते हैं 7 लास्ट में, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 इंटू 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 7 7 होता है 49, 94 कैरी, 7 2 14 और कैरी के 4 18, 189 क्या मिला, 16 इंटू 189। अब यहां पे मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कीजिए 6 से देंगे पहले इन तीनों को, 6 9 जर होता है 54, लिखेंगे 4 5 कैरी, 6 8 जर होता है 48, 48 और कैरी के 5, 48 और कैरी के 5 हो गए भाई सर 53, तो लिखेंगे 3 5 कैरी फिर से, अच्छा 6 1 जर 6, 6 और कैरी के 5 11, 1 1 3 4, फिर यहां पे देंगे मल्टीप्लाई 9 1 जर 9, 8 1 जर 8 और 1 1 जर 1, 4 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 8 और 1 और कैरी का 1 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 और 3, तो क्या मिला 3024। LCM क्या मिला भाई साहब, 3024 मिला LCM। अभी HCF भी निकालना बाकी है, HCF निकालना तो बहुत आसान है, देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या है, सॉरी मैक्सिमम टाइम नहीं, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है, सॉरी यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, ठीक है 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है 2, यहां पे भी है 2, यहां पे भी, देखो 2 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है, बहुत सारे, लेकिन एक तो लेना है, टू कॉमन में है ना दोनों में, एक कॉमन है तो एक लेना है, यहां पे एक थ्री है, यहां का एक थ्री ले लेते हैं इसके साथ, ये कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, यहां पे बचे 2 3, यहां पे कुछ और है नहीं, यहां पे बचे 3 2, यहां पे कुछ और है नहीं, यहां पे बचा 7, यहां पे तो है नहीं, तो ये दोनों कॉमन थे, इनको ले लेना है 2 4 3, 2 इनको मल्टीप्लाई कर देना 2 3 होता है 6, तो एचसीएफ मिलेगा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा 6, क्लियर। अब मैं आपको वेरिफिकेशन दिखाता हूं, ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं, वेरिफिकेशन दिखाता हूं, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ओके लेट्स मूव अहेड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई सॉरी LCM into HCF is equal to product of two numbers. अब मैं product of two numbers नहीं लिखता हूं, directly दो numbers का multiplication कर लेता हूं, 336 into 54. LCM तो आपने अभी निकाला 3024 multiplied by HCF भी निकाला, HCF कितना 6, लिख लेते हैं 6 into is equal to 336 into 54. अब कर लो multiply, calculator करोगे तो इसका और इसका दोनों का same आता है, ठीक है मैं करके भी दिखाता हूं, 6 4 था 24, 4 2 carry, 6 2 था 8 14 और 6 2 था 12 और carry के तो 14, 4 फिर से 1 carry, 6 0 था 0 और carry का 7, 6 3 था 18, 18744। LCM और HCF का प्रोडक्ट आता है 18744। अब देखते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पे करना पड़ेगा क्योंकि दो डिजिट है, 4 6 0 था 24, 4 2 carry, 4 3 था 12, 12 और carry के तो 14, 4 फिर से 1 carry, 4 3 12 और कैरी का 1 15, 4 3 12 और कैरी का 13,
अब यहां पे करेंगे 6 5 30 सिफर एक तीन कैरी 5 3 15 15 और कैरी के 3 18 8 फिर से एक कैरी 5 3 15 15 और कैरी का 16 कर लो 4 4 8 और 3 11 आएगा 1 8 और 3 11 आएगा 1 फिर 1 कैरी 6 और 1 7 7 और 1 8 और 1 18144 सॉरी यहां पे 18744 क्यों आया फिर से चेक करो 18144 यहां पे गलत हुआ था ठीक है तो 18144 इज इक्वल टू 18144 यहां पे हमने ये वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है वो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स के बराबर हैंस वेरीफाइड ओके स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू यू आर यू गेटिंग मी अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है पढ़ाने का स्टाइल ठीक लग रहा है या मुझे कुछ चेंज करना है यू कैन सजेस्ट मी मैंने कहा ना कमेंट बॉक्स आपके लिए भरा पड़ा है आप मुझे बता सकते हैं तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर दिया नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए गुड बाय